शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में जरूरी है कि हम जरूरी सावधानी बरतें। इस भीषण वायरस को हराना है तो कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। हर थर्सडे की तरह हम फिर हाजिर हैं सवाल जवाब का सिलसिला लेकर हमारे 41वें एपिसोड के साथ। कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर किडनी की बीमारी और उसके आयुर्वेदिक उपचार की सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब लेकर हम फिर आए हैं नए एपिसोड के साथ, जहां हम किडनी से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते के हमारे गुरुवार और शनिवार दोनों एपिसोड्स को प्यार देने के लिए शुक्रिया। पिछले कुछ हफ्तों में आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत प्यार दिया। वीडियोस पर व्यूज के साथ साथ हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रहे हैं। हमेशा की तरह पिछले हफ्ते भी हमें आप लोगों के बहुत सवाल मिले, उनमें कुछ सवाल बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग भी थे। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों में से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, आप चाहे तो अपना नंबर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे खुद जुड़ने का प्रयास करेंगे। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि कोरोना वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कर्मा आयुर्वेदा आपसे अनुरोध करता है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से कम निकलें। किडनी रोगियों को इस गंभीर माहौल में और सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभागों का मानना है कि जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे डायबिटीज या किडनी प्रॉब्लम, उन्हें इस वायरस का खतरा कहीं ज्यादा है। इस भीषण वायरस को हराना है तो कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। इससे पहले हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल किया है मिराज फातिमा फारूक जी ने। इनका सवाल है, क्या डायलिसिस से जूझ रहे किडनी रोगी खाने में टमाटर यूज कर सकते हैं या नहीं? सवाल पूछने के लिए धन्यवाद मिराज फातिमा जी। नहीं, किडनी रोगियों को इस समस्या में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, डायलिसिस वाले रोगियों को तो बिल्कुल भी नहीं। टमाटर में बीज मौजूद होने के कारण यूरिक एसिड बढ़ सकता है। हाँ, अगर आप डायलिसिस पर नहीं हैं तो कभी कभी टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही और उसके बीज को निकाल कर और छिलका उतार कर। अब दूसरा सवाल, क्या किडनी रोगी जिनका क्रिएटिनिन 1.9 हो गया है वो कोकोनट मिल्क पी सकते हैं? ये सवाल हमसे पूछा है संजीव कुमार जी ने। संजीव जी, किडनी रोगी को कोकोनट, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क या फिर कोकोनट से बनी कोई भी फूड आइटम नहीं लेनी चाहिए। इससे पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है जो बीपी को बढ़ा सकता है। ऐसे में किडनी रोगी या आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई भी राय लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का तीसरा सवाल, क्या कद्दू के पत्ते और फ्लावर्स में पोटेशियम होता है, क्या किडनी रोगी इन्हें खा सकते हैं या नहीं? ये सवाल हमसे पूछा है कैलाश खेर जी ने। जी हाँ, कद्दू के पत्तों और फ्लावर्स में पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, आप हरा कद्दू का सेवन कर सकते हैं, पत्ते या फूल का नहीं। और आज का आखिरी सवाल है, क्या किडनी रोगी मूंग की दाल को भिगोकर उसका सेवन कर सकते हैं? ये सवाल हमसे किया है ब्रिज जी ने। सवाल करने के लिए धन्यवाद। किडनी रोगियों को बहुत कम दालों का सेवन अलाउड होता है। मूंग की दाल किडनी रोगी हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कई फायदे होते हैं, साथ ही इसमें प्रोटीन और पोटेशियम की मात्रा होती है। इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से कोई राय लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे आज के जरूरी सवाल जो आप लोगों ने पिछले हफ्ते हमसे कमेंट बॉक्स में किए थे। आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह हमें अपने सवाल लिखकर भेजते रहें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। तब तक आप अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए। आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाइए, योग करिए और एक अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा आज विश्व का जाना माना आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों से किडनी रोगियों ने आकर अपने नए जीवन की पुनः शुरुआत की है। डॉक्टर पुनीत धवन के आयुर्वेदिक ज्ञान ने किडनी से जुड़ी उनकी हर परेशानी को जड़ से समाप्त किया है। आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और आयुर्वेद से जुड़े। आइए ऐसे ही एक किडनी रोगी से मिलें जिन्होंने किडनी की बीमारी को मात देकर आयुर्वेद से की एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत। आज हमारे साथ है पूरन सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ के रहने वाले। अलीगढ़ जी, पास से ही आए हैं? हाँ, पास से। इंडिया की बात करें वैसे तो दूर है अलीगढ़ यहाँ। हाँ,
तो वैसे जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? उस समय हमारे पैरों में स्वेलिंग थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और पीजीआई में कह दिया गया था कि आगे वो क्रिएटिनिन वो आपका किडनी ट्रांसप्लांट कराने की संभावना है और यही कहा गया था मुझे जो है डायलिसिस बोल दिया था कि आप अगले हफ्ते आ जाइए तो आपका डायलिसिस कर देंगे, जो चालू कर देंगे, कोई फैसुला वगैरह बनता है क्या, ऑपरेशन होता है तो उसको बनाएंगे और डायलिसिस चालू कर देंगे आप। ओके, तो मुझे वहां से फिर आराम नहीं मिला, तो हमारे मिलने वाले हैं उनका डायलिसिस आपके यहाँ हो रहा था, जो है आपके यहाँ इलाज चल रहा था, उनका चार बार डायलिसिस हो रहा था, उन्होंने ही मुझे जो है आपके यहाँ भेजा था। अच्छा, तो नहीं के माध्यम से मैं आया, आराम मिल रहा है, अच्छा आराम मिल रहा है, खाना भी ठीक दे रहे हैं, पैरों में स्वेलिंग नहीं है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं, रिपोर्ट्स और भी अच्छा बता रही हैं आप। अभी जो क्रिएटिनिन है आप देखें 4.7 था जब ये शुरू किया था, 74 यूरिया था, कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है, बोलते हो चेंजेस माइट बी स्लो बट दीज आर परमानेंट चेंजेस। 4.7 था ये 18-3 को, उसके बाद 4.46 हुआ 31-5 को, 3.95 हुआ है ये 30-2019। डॉक्टर लाल पैथलैब अलीगढ़ की सारी रिपोर्ट है 30-7-2019 को 3.52 क्रिएटिनिन हो गया, रेगुलर डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि जो जी एफ आर है वो रेगुलर इंक्रीज कर रहा है। ना सिर्फ ये प्रोटीन इनका 100 mg जा रहा था 2+ के आसपास 18 मार्च को, और अभी जो है इनका प्रोटीन जा रहा है वो 30-7 को 1+ यानी कि 30 mg के आसपास इनका प्रोटीन जा रहा है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है, उसके अंदर भी बहुत अच्छे इनको रिड्यूस मिल रहा है। यूरिन और प्रोटीन और ब्लड और सब चीज़ों में किडनी में भी इनका फंक्शन इंप्रूव हुआ, जिससे यूरिन में भी चेंजेस नजर आए और ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर भी चेंजेस नजर आए। तो ऐसे बहुत से अनेकों पेशेंट्स आज जुड़ चुके हैं और डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट से सिद्ध करती है कि किडनी का फंक्शन कर्मा आयुर्वेदा की औषधियों द्वारा बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा सकता है, और एक नहीं ऐसे हजारों की संख्या में आज की तारीख में ऐसी हजारों की संख्या में रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका क्रिएटिनिन रेगुलर बढ़ रहा है। समय मिले तो कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो जरूर देखें, आपको विश्वास हो जाएगा कि किडनी का इलाज जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से मरीजों को इम्प्रूवमेंट आ रही है और आती चली जा रही है और रेगुलर आ रही है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कैसे आयुर्वेद से आप किडनी की गंभीर से गंभीर बीमारी को मात दे सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसी ही जरूरी जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।